There are some network issue problem. So let's start the topic. Okay, what is CPU? CPU stands for Central Processing Unit. The CPU or the Central Processing Unit is the main control center and the processing unit. It is also called the brain of the computer, as it guides, directs, controls and governs the performance of a computer. Okay, क्या होता है? मेन कंट्रोल सेंटर होता है और प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और आपको पहले भी बता चुके हैं यह मात यही क्या एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि आपके इनपुट दी गई डेटा एंट्री को क्या कराता है, प्रोसेस्ड कराता है. क्लियर? फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. से हम ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का. क्यों? क्योंकि ये गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और गवर्न्स करता है किसकी, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को. ठीक है, अब सीपीयू में भी क्या होते हैं, इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? सीपीयू में भी सब कंपोनेंट्स होते हैं जो आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. देखिए, दिस इज, ये देखिए आप, ये आपको डायग्राम बताया था मैंने, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द सीपीयू. इट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स, एएलयू, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट. एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. सीयू कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट. एंड रजिस्टर क्या होते हैं? एक तरीके से स्टोरेज एरिया होता है. क्लियर? तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, एएलयू, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट. डिस्क्राइब करेंगे हम अच्छे से. यहाँ पे देखिए, एएलयू, एएलयू क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. मैंने आपको भी बताया था कि अगर सीपीयू, अगर हम कोई ऐसा डेटा एंट्री कराते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करा जा रहा करते हैं कर रहे हैं हम, तो एएलयू प्रेजेंट होता है सीपीयू में, जो क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है. जैसे देखते हैं, द एएलयू परफॉर्म्स ऑल द फोर्थ अर्थमेटिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है. एंड सम लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू ऑपरेशंस. तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या परफॉर्म कराएगा? फोर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या परफॉर्म कराएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू ऑपरेशंस. जैसे व्हेन टू ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, अगर हम दो ऑपरेशंस ऐड कराना चाहते हैं, जैसे टू प्लस थ्री, अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, तो सीपीयू किसके, सीपीयू का कंपोनेंट कौन सा यूज होगा? एएलयू. इट कैन रिजल्ट टू प्लस थ्री, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, और जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा आउटपुट यूनिट, मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा आपका रिजल्ट फाइव. क्लियर? तो दीज नंबर्स आर सेंड फ्रॉम द मेमोरी टू एएलयू, वेयर एडिशन टेक प्लेस एंड द रिजल्ट इज पुट बैक इन द मेमोरी. आपका जो रिजल्ट होगा कहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. इन द सेम वे अदर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म थ्रू एएलयू. मैंने आपको बताया, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई या लॉजिकल ऑपरेशन, तो एएलयू परफॉर्म कराएगा और उसका रिजल्ट कहाँ पे सेव करता जाएगा और यूजर को प्रोवाइड कराता जाएगा विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट. फॉर लॉजिकल ऑपरेशन जैसे, ऑल्सो द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड आर सेंड फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू, वेयर द कंपेरिजन टेक्स प्लेस एंड रिटर्न द रिजल्ट इज एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द मेमोरी. जैसे आपसे पूछ कहा जाए, इज आइदर टू इज ग्रेटर देन थ्री, तो ये चेक करेगा विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करा के चेक करेगा क्या टू इज ग्रेटर देन थ्री है. टू इज ग्रेटर देन थ्री, इट इज पॉसिबल और नॉट? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स. तो रिजल्ट आपको दे देगा फॉल्स और सेव करा देगा आपको मेमोरी में. मेमोरी में इसका रिजल्ट क्या कर देगा? सेव करा देगा. क्लियर? उसी तरीके से जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये क्या करेगा? आपका रिजल्ट डिसीजन मेकिंग टू अ कंप्यूटर क्या करेगा? इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि डिसीजन ले सकता है क्या ये ग्रेटर है कि छोटा है कि बड़ा है कि नॉट इक्वल टू इज नॉट के इक्वल टू है. क्लियर? तो आपने आप देख लिया ये ALU का ऑपरेशन क्या होता है, काम क्या होता है. इसके बाद देखते हैं कंट्रोल यूनिट. मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ CPU इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? देखिए, कंट्रोल, नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, कंट्रोल यूनिट मीन्स इट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एंड गाइड्स द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. इसका काम क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उसकी, उसको क्या करता है? गाइड करता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है, और जो भी डेटा का फ्लो है उसे मैनिपुलेट करता है, डेटा को, डेटा के फ्लो को मैनेज करता है. ये काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है. द कंट्रोल यूनिट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स अंटिल द रिक्वायर्ड ऑपरेशन आर डन प्रॉपरली बाय द ALU एंड मेमोरी. ALU और मेमोरी
जब तक काम कर रहे होते हैं, जब तक प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो करते हैं करते रहते हैं, उस टाइम सीयू क्या कर रहते हैं, उनको कंट्रोल सिग्नल्स भेजता रहता है. क्या करता है, कंटिन्यूली उन्हें कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कराता रहता है. कौन प्रोवाइड कराता है, सीयू. किसको प्रोवाइड कराता रहता है, एएलयू को और मेमोरी को. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन सीयू का क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना. मीन्स किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना. एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको, आपको पता है जैसे कोई वर्क डन करना है, ठीक है, उस वर्क को अच्छी तरह से परफॉर्म कराना ही क्या कहलाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना. प्रोग्राम जस्ट अ वर्क एंड एग्जीक्यूट मीन उसको प्रॉपरली कैरी आउट करना. तो इस प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है. दैट इज कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम. दस कंट्रोल यूनिट गेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मेमोरी से प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लेता है, उनको एग्जीक्यूट कराता है, एग्जीक्यूट दैम वन आफ्टर अनदर, वन बाई वन उनको क्या कराता रहता है, एग्जीक्यूट कराता रहता है. आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी इन द कंट्रोल यूनिट, आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इन कंट्रोल यूनिट, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेकर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड. फिर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा. मीन्स एक लैंग्वेज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा और इंटरप्रेट करेगा. मीन्स पहचानेगा और उन्हें उस इंटरप्रेटेड करेगा, ठीक है. दैट इज विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, ये देखता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. देन द आस्क्ड ऑपरेशन इज कैरीड आउट, तो जिस तरीके का आप ऑपरेशन कराए जा कराना है उस तरीके का ऑपरेशन वो कराएगा. कौन कराएगा, कंट्रोल यूनिट कराएगा. अब देखिए पहले काम क्या था, फैच करना. आपने देखा पहले क्या करेगा, वो फैच करेगा. अब मतलब आपका जो प्रोग्राम होगा क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कराएगा, फैच करेगा. मीन्स निकालेगा उसको, उसके बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा. डिकोड करने के बाद समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, क्या करेगा कि किस तरीके का ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, ठीक है. इंटरप्रेटेड करने के बाद आफ्टर डैट वो क्या कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा. फाइनली वर्क हम क्या कराते हैं, सबसे पहले कोई जैसे हमें वर्क करना होता है तो हम सबसे पहले उस वर्क को निकालते हैं ना, क्या करना है हमें, ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं. मीन्स उसे हम समझेंगे अपनी लैंग्वेज में कि आइदर हमें करना क्या है, कैसा वर्क करना है. इंटरप्रेटेड, क्या हमें किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने पड़ेंगे उस वर्क को करने के लिए. आफ्टर डैट ये तीनों ऑपरेशन करने के बाद ही तो हम वर्क को कम्प्लीटली करा पाते हैं, एग्जीक्यूट मीन्स रन करा सकते हैं, ठीक. तो ये चारों ऑपरेशन आपने समझ लिए कंट्रोल यूनिट के, ठीक है. तो क्या होएगा, देन द ऑपरेशन इज कैरीड आउट. आफ्टर दैट द ऑपरेशन इज कैरीड आउट मीन्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो आफ्टर द वर्क ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कंट्रोल यूनिट सेंड्स द सिग्नल टू मेमोरी टू सेंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ये पूरा चारों साइकिल कंप्लीट करके सीयू करेगा, ठीक है. मैंने एक काम, ये इंस्ट्रक्शन मैंने एक साइकिल एक कंप्लीट कर लिया है. आफ्टर डैट अब मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो, मैं फिर से यही साइकिल फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे सीयू एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर बाय कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द ऑपरेशंस टेक प्लेस. ये एक मेन सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है जो काम क्या करता है, कंट्रोल करता है, गाइडिंग का काम करता है सारे ऑपरेशंस को टेक प्लेस होने के लिए, क्लियर. सो माय टॉपिक इज कंप्लीट टुडे एंड टुमारो माय नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टेड फ्रॉम रजिस्टर्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.